इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना काल में बच्चों से ली गई स्कूल फीस का 15% माफ होगा। कोर्ट का ये फैसला कोरोना के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों के लिए बड़ी राहत होगी। हाई कोर्ट का ये आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। उन्होंने साल 2020 से 2021 में जो फीस ली होगी उनमें से 15% माफ करना होगा। कोर्ट ने माफ की गई इस फीस को अगले सेशन में एडजस्ट करने या फीस वापस लौटाने के लिए स्कूलों को 2 महीने का समय दिया है। ये फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने दिया। ये आदेश बच्चों के अभिभावकों की याचिका पर दिया गया। इस याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई। बच्चों के अभिभावकों ने दलील दी थी कि साल 2020 से 21 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान स्कूल बंद रहे और बच्चों की केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही हुई। चूँकि बच्चे स्कूल नहीं गए इसलिए उन्हें स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिली, पर इसके बाद भी स्कूल हर महीने पूरी फीस ही वसूलते रहे। बच्चों के माता पिता ने कहा कि स्कूलों ने केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही करवाई है, कोई दूसरी सुविधा नहीं दी, इसलिए ट्यूशन फीस के अलावा एक भी रुपया लेना उचित नहीं है। याचिका दायर करने वालों ने इंडियन स्कूल जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना सुविधाएं दिए फीस लेना मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यावसायीकरण करने जैसा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।